हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड फोरम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल स्टडीज़ से में। जिस तरह से यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया गया था तुर्की और इंडिया के रिलेशन के बिना पर, खासतौर पर जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तुर्की डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी डिस्कशन हुआ। खासतौर पर जो मैं आपको बात करना चाहूँगा कि स्पेशली यहाँ पर स्पेशली जो गेस्ट आए हुए हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट टुडे एक्सपीरियंस? क्या लगा आपको जिस तरह का नेगोशिएशन प्रोग्राम हुआ, जैसे कि मैं और भी लोगों से बात कर रहा हूं? अरे हम भी बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं और प्रोग्राम हुआ था खासतौर पर इंडिया और तुर्की के रिलेशन पर यहाँ पर नशा करें पूरी तरह से, इसको सामान कैसा लगा और तो ये जिस तरह से नौसाद से बताएंगे कि अगर इस तरह का प्रोग्राम होता रहेगा तो खासा तौर पर एक गुड रिलेशन होगा खास इंडिया और तुर्की के बिना पर। माहौल एक गुलजार है और एक गुलों के साथ एक दूसरे को इंडिया और तुर्की का स्वागत किया जा रहा है। कहीं ना मैं आपको बात करना चाहूँगा, खबर और क्या लगा जहाँ कि इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, कितना गेली नोचेबिलिटी। एक्चुअली इंडिया और तुर्की का रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा है, जो रिलेशन है वो सुधार है, जो पॉलिटिकली तौर पर जो रिलेशन है वो अलग है। आप चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन सुधार है, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जैसे हमारे जो वहाँ के स्टूडेंट्स जो आए हुए थे, वो भी यही बात कर रहे हैं, हम लोग जो से खुद भी अपने लिए रिलेशन बना सकते, कल्चरली और एजुकेशनली हम लोग जुड़ सकते हैं और आगे, मतलब इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं विकास कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग बहुत है अच्छी मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया जामिया इस्लामिया तुर्की डिपार्टमेंट का स्टूडेंट तो बाहर आला का बता दें। ये देखिए कि आप देख रहे हैं इसी तरह से यहाँ पर खास तौर पर यहाँ पर जो गुलाम लोग यानी गुलाम तुर्की में कहा जाता है, टीचर स्टूडेंट भी आए हैं वहाँ पे बेहतरीन के प्रोग्राम में हुआ था। इस तरह से इंडिया का खासा एक कल्चर है कि वस्तु कि अतिथि देवभाव का जो नारा है उसकी बिना पर यहाँ पर वेलकमिंग किया गया था गुरु के साथ। बहरहाल एक बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।